देखिए हम इस वर्ड स्टार्ट, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेज ऑफ आता है ना, पेज लेआउट। कौन सा मीनिंग हुआ है? पेज लेआउट। तो पेज लेआउट का मतलब समझना है कि पेज लेआउट में हम हर फंक्शन को, हर ऑप्शन को किस टाइप से यूज करते हैं और हर ऑप्शन का यूजेस का आउटपुट क्या देता है। तो सबसे स्टार्टिंग पर थीम से, थीम होता है क्या चीज़ कि हम अभी यहाँ जानते हैं कि कुछ भी पैराग्राफ लिखना है, 10 लाइन 20 लाइन कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए फार्मूला टाइप करते हैं इक्वल टू आर ए एन डी लाइन ब्रैकेट ओपन 10.5 10.5। देने के बाद जिस तरह से यहाँ 10.5 यहाँ देंगे और यहाँ पर जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए पैराग्राफ लिख दिया। लिखने के बाद अब इसी लिखा पर हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जैसे में मत हम इसका थीम चेंज करना है। तो जितना दूर टेस्ट का थीम चेंज करना होगा उतना दूर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम मेनू में बर्ड स्टाइल मिलता है। बर्ड स्टाइल में कोई भी स्टाइल को हम चूज करेंगे, कोई भी स्टाइल हम चूज किए, मानी ये स्टाइल कोई भी स्टाइल को हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। चूज करने के बाद स्टाइल को चूज कर लिए, चूज करने के बाद हम इसमें चाहते हैं कि थीम चेंज होता है कि नहीं, तो उसको सबसे पहले हम पेज लॉट में जाएंगे, उसके बाद बैक जाएंगे और यहाँ से थीम को चेंज करेंगे। तो देखिए मेरा पेज को ऑटोमेटिक साइज कलर स्टाइल कलर सब चीज़ चेंज हो राइट एट टाइम। तो एक बार में साइज कलर और स्टाइल तीनों चीज़ चेंज करना होगा, तो उसको लिए पहले किसी भी लिखावट में पहले स्टाइल दे देना है, कोई भी स्टाइल, और उसके बाद किसको प्रयोग करेंगे, थीम का। तो थीम का स्टेप्स यूज करते हैं। दूसरा कंडीशन कि सर मेरा पेज है तो पेज का मार्जिन बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, मार्जिन में इंक्रीज और डिक्रीज साइज करना चाहते हैं, तो उसको लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन जाएंगे। तो सबसे कम मार्जिन आपको हमको सबसे कम दिखाई यही देता है जिसको बोलते हैं नैरो। इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा मार्जिन क्या होगा, सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ जाके क्या कीजिएगा, नैरो क्लिक कीजिएगा। तो देखिए मेरा मार्जिन क्या हुआ, कम हो गया। अब एकदम इससे भी कम या इससे भी एकदम अपना अनुसार से मार्जिन देना चाहते हैं, फिक्स 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो कंप्यूटर के अंदर जो मार्जिन दिया हुआ, ये मार्जिन हम एक्सेप्ट नहीं कर, हम अपना अपना तरफ से देना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो कस्टम मार्जिन यहाँ से देखिए आप बढ़ा सकते हैं, जैसे हम देते हैं 1 1 1, ठीक है, ओके। सब में टॉप आप चाहते हैं सर, हम नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं कि ऊपर से मार्जिन रहे और नीचे में लेफ्ट साइड में जितना मार्जिन 0.5 रहे। तो ऊपर में दे दिए, ऊपर नीचे बॉटम 1, ओके क्लिक कीजिएगा। तो अब देखिए ऊपर मार्जिन कितना छोड़ दिया, इतना छोड़ा मार्जिन। तो इस तरह से मार्जिन को हम छोड़ने के लिए, अपने मन से मार्जिन को सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मार्जिन को। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज का प्रिंट आउट। जैसे अभी हम पेज को प्रिंट आउट निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, लंबा, किस साथ है सर, पेज चौला निकले। तो पेज चौला निकलने के लिए इसको क्या करेंगे, ओरिएंटेशन में जाके हम लैंडस्केप कर देंगे तो चौला हो जाएगा। पेज को लंबा में करना होगा तो उसको लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे तो क्या होगा, पेज लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। दूसरा चीज कि सर पेज का साइज, प्रिंटर का जो पेज निकालेंगे A4 साइज होता है, याद रखिएगा पेज का जो प्रिंटर होता है एकदम A4 साइज। तो A4 साइज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, A4 साइज में क्या करना है, क्लिक करना है। तो पेज का A4 साइज हुआ, चेंज लिया हल्का शेप में इस चेंज। इस टेस्ट को कॉलम ब्रेक करना है, 2 कॉलम 3 कॉलम है ना, जैसे पेज लिखो पेपर प्रिंटिंग है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम लिखा हुआ है, इस तरह से प्रिंट ब्रेक करना। सिलेक्ट करेंगे कॉलम, कितना कॉलम चाहिए, 2 कॉलम, तो 2 कॉलम टूटेगा। कितना कॉलम चाहिए, 3 कॉलम, तो 3 कॉलम टूटेगा। कॉलम लेफ्ट साइड इधर ऐसा बुक में रहता लिखा हुआ, तो इस सबसे कॉलम बाई कॉलम टेस्ट को तोड़ना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे, कॉलम प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या होता है कि आपको ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है कि पेज को ब्रेक करना, जैसे यहाँ से कोऑर्डिनेट से हम चाहते हैं ब्रेक कर दे पेज को। तो देखिए यहाँ पे ब्रेक में जाएंगे, बहुत तरह का कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक, पेज ब्रेक क्लिक करेंगे, तोड़ दिया कोऑर्डिनेट से, अगला पेज दे दिया, इस पेज ब्रेक करते हैं। नंबरिंग देना चाहते हैं, लाइन नंबर कितना लाइन लिखे हैं, तो यहाँ देखिए जाके लाइन नंबर क्लिक करेंगे, कंटिन्यूस पर क्लिक करेंगे, नंबरिंग चला गया। तीसरा से नंबरिंग होता है कि इसमें एक कंडीशन हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ लिखते हैं, जब कुछ लिखते हैं तो लिखने में क्या करते हैं, जैसे आप लिखे हैं इस राम इज बॉय लिखते हैं, कुछ आगे स्पेस नहीं तो लाइन दे के यहाँ से ओ बाई लिखते हैं इंडिकेट, जिसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट। तो अभी कुछ हाइपरटेक्स्ट देना चाहते हैं लिखावट में, तो देखिए यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट में जाइएगा, मैनुअली कीजिएगा, तो पूछेगा देखो डॉक्यूमेंट से आगे बता रहा है यस, क्योंकि DOC के बाद आगे नहीं लिखा गया, यहाँ से लिखाया है। फिर देखिए कोऑर्डिनेट टूट के यहाँ पर या डायग्राम टूटा, तो DIAGRM होना चाहिए, DIA के आगे स्पेस नहीं होने कारण ग्राम नीचे लिखा है। तो इससे पता चलता है, कोई भी यूजर पढ़ेगा बुक तो देखेगा
क्या पड़ेगा कि इसके बाद भी मैंने यहाँ देखिएगा आपको सपोर्ट है, यहाँ ये है लाइन दिया हुआ था, इसके बाद नीचे लिखा गया, इसके बाद नीचे लिखा है। तो किसी भी टेस्ट को हम जहाँ स्टॉप किए और उसी से संबंधित कुछ आगे लिख है तो वहाँ पे इंडिकेट देना, चिन्ह दूसरा से देना हो तो कहाँ से करेंगे, हाइपरटेंशन से। दूसरा होता है वाटर मार्क, पेज में वाटर मार्क देना चाहते हैं, वाटर मार्क क्लिक करेंगे, क्या चाहिए कस्टम पिक्चर चाहिए तो सिलेक्ट पिक्चर ले लेंगे यहाँ से, है ना। बहुत सा पिक्चर, बहुत तरह के लोगो होता है जो आपके कंपनी का अपना लोगो भी होता है यहाँ पर, तो बट मानी को लोगो ही लेते हैं यहाँ पर। लोगो हम लेते हैं यही गुलाब का फूल कोई चीज लेते हैं, ठीक है ना, यही लेते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, अंदर चले गया, इसको प्रिंट आउट निकालिएगा तो देखिए सब पे जितना पे निकाल सब पे रहेगा ना बाटा मार्क, इससे बाटा मार्क भी दे सकते हैं। आप पिक्चर नहीं कोचिंग का नाम देना चाहते हैं तो इससे क्या करिएगा, कस्टम में जाइएगा तो टेस्ट पर क्लिक करेंगे और टेस्ट यहाँ लिखेंगे कुछ भी लिखा हॉरिजन, यहाँ पर कलर चेंज करना चाहते हैं कलर चेंज करेंगे हम, अप्लाई क्लोज, हर पेज पर चला गया टेस्ट और पिक्चर दोनों, यहाँ दोनों एक दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं साथ में आएगा। तीसरों क्या होता है पेज वाटर मार्क, पेज कलर का काम क्या होता है, पेज का रंग देना, लाल पीला हरियर जैसा कलर देना कलर चूज करेंगे। पेज में कलर नहीं पिक्चर देना होगा तो पेज कलर जाके क्या करेंगे, फिल इफेक्ट पिक्चर सिलेक्ट पिक्चर है कोई पिक्चर मान, बट यहाँ से कुछ भी लेते हैं, आगे पेज पर कलर पिक्चर, तो पिक्चर भी दे सकते हैं पेज में इस तरह से देने के लिए। कहाँ से पेज कलर का, पेज का बॉर्डर देना चाहते हैं तो देखिए बॉर्डर बहुत तरह का आता है, आधा है पर बॉर्डर ले सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं पेज पर कि पेज का काम क्या हो गया। सर बॉर्डर जो है टेक्स्ट को, हाँ तो आपको बॉर्डर जो लिया है वो मार्जिन के अनुसार से लिया है ना, वो बॉर्डर जो लिया मार्जिन के अनुसार से लिया, इसीलिए आप लिख तो हम बाद में किए ना, आप वही चीज़ आप काम कीजिएगा तो पहले पेज को सजा लीजिए तब काम करना चालू कीजिए। हम तो आपको डेमो देते हैं ना, क्या करके जा पीछे से आगे जा रहे हैं। दूसरा होता है आइडेंट, आइडेंट का काम क्या होता है, लिखावट है, लिखावट सब नहीं पे लेते हैं, लिखावट है कुछ लिख इसको, इसको मूव करना है तो आप ये आइडेंट को मूव करने के लिए आप होम मेनू से भी आइडेंट बताए थे मूव करने के लिए यहाँ से है, तो आइडेंट का काम होता है कि आप इस चीज़ को आप पेज में जाइए आइडेंट देखिए यहाँ पर राइट है ना, इस सबसे अप डाउन कर सकते हैं देखा समझ ना। स्पेसिंग देना दो लाइन के बीच में, तो दो लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए आपको बताए थे यहाँ पर, जैसे दो लाइन के बीच में स्पेस ज़्यादा कम है ना तो बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए स्पेस बढ़ रहा लाइन के बीच में तो इस स्पेस बढ़ाने के लिए लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करेंगे है। दूसरा कि सर ब्रिंग, अब यहाँ पर पिक्चर लेते हैं, कोई पिक्चर इन साइड मिनट जाके हम लेते हैं, कोई पिक्चर यहाँ से लेते हैं हम पटे ही मान पिक्चर लिए, मनवान यहाँ पिक्चर इंसर्ट में गया पिक्चर लिए, पिक्चर ये पिक्चर मूव नहीं हो रहा है, मूव नहीं कर रही है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे टेस्ट ब्रैपिंग है, जो आपको यहाँ पेज लोड में आता है ना टेस्ट ब्रैपिंग, यहाँ क्या करेंगे बिहाइंड ऑफ टेस्ट, क्या टेस्ट के पीछे भेजना चाहते हैं, हाँ टेस्ट के पीछे चला गया, टेस्ट का आगे लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट है फ्रंट ऑफ टेस्ट, इस पर क्लिक आगे चला आया, पीछे ले जाना है सेंड बिहाइंड टेस्ट पीछे चला गया, कोई भी चीज़ को आगे और पीछे लाने के किसका प्रयोग करेंगे। पोजीशन का काम क्या होता है कि पिक्चर को पोजीशन कहाँ सेट करना चाहते हैं, बीच में देखिए इधर देख रहे हैं पोजीशन जा रहा है, तो सब पिक्चर को पोजीशन कहाँ देना चाहते हैं उसको देने के लिए क्या करेंगे पोजीशन से करेंगे। वही बता रहे तो यहाँ पर देखिए रोटेट का काम क्या होता है, घुमाना पिक्चर को, घूम रहा पिक्चर है इस सबसे रोटेट का काम क्या होता है घुमाना, इस जगह टेस्ट रहता है तो टेस्ट आपको बताया थे बड आर्ट से टेस्ट लिखने के लिए आप जाइए यहाँ पर लिए ऐसा होगा किसको पहले तो क्या करेंगे हमको मालूम है टेस्ट ब्रेकिंग फ्रंट ऑफ टेस्ट, अब इसको आराम से अब जहाँ इसको बड़ा साइज करना चाहते हैं ये लिखे हुआ, अब ये हो गया पेज लोड मेनू। दूसरा मेनू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्मेट, बड आर्ट से बताए थे बड आर्ट लिखे फॉर्मेट आ गया, इसमें चेंजिंग करना नया चीज ऐड करना एडिट टेस्ट है, इसको मिटा के सही लिखते हैं हॉरिजॉन
ओके चेंज होगा हॉरिजॉन। एडिट मैंने सर इसमें स्पेस बहुत कम है, स्पेस देना चाहते हैं दो बर्ड के बीच में, स्पेसिंग है वेरी टाइट, सट गया वेरी लूज, तो वेरी स्पेस में बर्ड के बीच में स्पेस देना, तो किसका काम है, इसका काम है वर्टिकली से हॉरिजॉन्टल करना, वर्टिकली हो गया ये सब चेंज करना किसका काम है बर्डर का, इसका स्टाइल चेंज करना, देखिए कैसा स्टाइल, ऐसा स्टाइल, ऐसा स्टाइल, इस तरह का स्टाइल, तो स्टाइल चेंज करने का काम किसका काम है बर्डर स्टाइल, इसका पिक लिखावट के अंदर पिक्चर देना चाहते हैं तो सेफ फील बताए थे रंग देंगे तो कलर चल गया, पिक्चर देना पिक्चर देंगे यहाँ से वही पिक्चर बट हम मानिए लेते हैं यही लेते हैं चला गया इसके अंदर तो सेफ फील मतलब बताया इट इज़ टू फिल द कलर एंड पिक्चर इन द बॉर्डर टेस्ट, बॉर्डर टेस्ट में सेप आउटलाइन, आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो देखिए लाइन बहुत तरह का लाइन यहाँ पे आता है, कैसे लाइन ऐसा लाइन लेंगे, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं आउटलाइन का तो कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, देखिए इसको बड़ा साइज करेंगे तो पता चलेगा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, आउटलाइन चेंज है पता, देखिए आप ध्यान देखें चेंज है बुंदा बुंदा इस तरह से आउटलाइन चेंज होगा, अच्छा आउटलाइन मोटा लाइन देते हैं तब पता चलेगा आप लोग का, पता चल रहा है आउटलाइन चेंज होगा तीसरे से आउटलाइन, इसका शेप चेंज करना चाहते हैं देखिए कैसा ऐसा, देखिए शेप चेंज हो रहा है पूरा शेप चेंज, इस हम शेप जैसा स्टाइल में करना चाहते हैं देखिए, ये आउटलाइन नहीं देखा लिखावट जैसे किसान लिखा हुआ है तो लाइन जो दिया हुआ लाइन का लाइनिंग का शेप चेंज करना है ना, ये होता है शेडो का मतलब क्या होता है परछाई देना, देखिए परछाई जा रहा पीछे देखिए नीचे देंगे परछाई नीचे आएगा, देखिए कोई परछाई देना चाहते हैं पूरा परछाई देखो ना है इस सब परछाई देना तो किसका प्रयोग करेंगे शैडो का, परछाई यानी मूव करना चाहते हैं मूव करेंगे परछाई इधर मूव मतलब परछाइयों के बीच में शैडो को मूवमेंट करना चाहो तरफ तो इसको यूज करेंगे, थ्री डी इफेक्ट देखिए देख रहे हैं ना थ्री डायमेंशन इस तरह से बनाने के लिए क्या करें थ्री डी इफेक्ट करेंगे, थ्री डी को मूव करना देखिए ऊपर नीचे देख रहे हैं ना इस सब मूव करने की पोजिशन होता है, बाकी तो टेस्ट ब्रैपिंग पोजिशन नोटेट नेक्स्ट क्लास, हाँ ऊपर भरना आती हाँ कलर दे दो पेज में नहीं दिमाग नहीं आ रहा यार किसको बॉर्डर वही साइज आएगा हाँ सर पेज में ऐसे ऐसे आ रहा था।